हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 22 मार्च 2021 को जो था जूनियर इंजीनियर का पेपर हुआ था गाइस, जिसका फाइनली रिजल्ट जो है 30 जून को गाइस आ चुका है। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए, जो लोग भी क्वालिफाई किए हैं भाई डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए तैयार हो जाओ। कट ऑफ्स में आपको थोड़ी सी यहां पर डिस्कस कर लेता हूं। सिविल इंजीनियर के लिए जो कट ऑफ गई है जनरल की गाइस, इसमें 200 नंबर में से कट ऑफ गई है 120 पॉइंट समथिंग। साथ ही साथ ओबीसी की कट ऑफ गई है सिविल इंजीनियर के लिए गाइस 108, EWS कैटेगरी के लिए 108, OBC कैटेगरी के लिए 114। साथ ही साथ गाइस इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर के लिए जो कट ऑफ गई है जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई है 141 पॉइंट समथिंग, और ओबीसी कैटेगरी के लिए कट ऑफ गई है गाइस 137.46। तो आप सभी को ऑल दी वेरी बेस्ट डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए। साथ ही साथ एक इंफॉर्मेशन मैं आपको छोटी सी और दूंगा, आपने जो भी आपके जितने भी मार्क्स आए हो गाइस, ठीक है, लेकिन पेपर टू यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर में वही बच्चा बैठ सकता है, वही बच्चा पेपर टू दे सकता है जो जनरल कैटेगरी में 30% मार्क्स लेके आया हो, यानी कि 200 में से 60 नंबर लेके आया हो। इसके अलावा ओबीसी जो कैंडिडेट है वो 25% मार्क्स लेके आया हो, यानी कि 50 नंबर मिनिमम वो लेके आया हो, और EWS और ओबीसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो 20% मार्क्स लेकर आए हों, वही बच्चे सीबीटी मतलब जो है पेपर टू यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर दे सकते हैं। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, जल्द से जल्द अपने फ्रेंड्स के साथ में दोस्तों को सभी को शेयर कर देना, और साथ ही साथ 30 जून को जो रिलीज हुआ है नोटिफिकेशन, इसको आप पूरा देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा गाइस। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।